नितिन चंडीला लाइफ बायोग्राफी। नितिन रहने वाले तो हैं चंडीला गांव के, और फतेहपुर चंडीला करके हम उनको मेंशन करते हैं क्योंकि फतेहपुर के आसपास ही वो गांव पड़ता है। हालांकि हमारे इंडिया के यंगेस्ट बॉडी बिल्डर है जिन्होंने इतना ज्यादा नाम कमाया हुआ है अपनी गुज्जर और अपनी इंडिया कम्युनिटी। इन्होंने अपनी जिम 15 साल की एज में शुरू कर दी थी, खुद के मन से नहीं, इनके पापा ने इनको कहा था उसके मन से, क्योंकि इनके फादर हैं जो उनको बहुत ज्यादा जिम का शौक था और वो भी मेरे ख्याल से कुश्ती वगैरह खेला करते थे अपने पुराने टाइम पे। इनका जन्म हुआ था 14 अगस्त 1997 इनके गांव चंडीला गांव में। तो जब इनके पापा इनको जिम के लिए जाने को कहते थे सुबह सुबह, तो ये जिम नहीं जाते थे, मतलब इनको पसंद नहीं थी जिम, ये घर के नीचे जाके नीचे वाले कमरे में जाके सो जाते थे, मतलब जिम से बचने के लिए। पर जब इन्होंने अपने बड़े भाई को देखा कि मेरा बड़ा भाई भी जिम जा रहा है, अच्छा उसकी बॉडी बन रही है, इफेक्ट आ रहा है, मतलब उसके बड़े भाई को देख के डरते हैं लोग कि हाँ भी कोई चल के आ रहा है, तो उसको देख दिखाई में नितिन का भी मन कर गया कि नहीं यार मेरे को भी बड़ी अच्छी बल्कि सी बॉडी बनानी है ताकि और सारे बंदे मेरे से डरें। और 2 साल में वो इफेक्ट भी आने लग गया उनको, उनकी 2 साल में अच्छी बॉडी होगी, बल्कि बॉडी हो गई। और नितिन ना शुरू से ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा अमीर थे, ये बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास वाली फैमिली से आते थे, पर इनका मन था बॉडी बिल्डिंग करने का। तो ये अपने बहुत सारे कोच जो इन्होंने हायर करे अपने करियर में, उनसे पैसे देते रहे, उनसे स्कैम होते रहे, इनके घर वाले घाटा खाते रहे, पर इसके फादर ने कभी ये नहीं कहा कि बेटा रुक जा, अब पैसे की कमी आ रही है, अब तेरा कुछ नहीं होने वाला बॉडी बिल्डिंग में। सपोर्ट इनके फादर का इनके लिए शुरू से था, इन्होंने बहुत सारे कोचेस को पैसे दिए, वेस्ट भी हुए। जिस दिन इनके एक दोस्त ने देखा कि यार इतना फेल हो रहा है, मैं इनको अपने गुरुजी से मिलाता हूँ, तो इन्होंने बुलाया उनको टाइगर भाई से, संदीप जिनका नाम है, तो इन्होंने संदीप भाई से, या उनको कम्युनिटी में हम टाइगर भाई के नाम से जानते हैं, तो उन्होंने उनको टाइगर भाई से मिलाया और टाइगर भाई ने इनको एक डाइट प्लान बना के दे दिया। कह रहा ये ले भाई, तू डाइट प्लान लेके चला जा और इसको फॉलो करता रहे, मेरे को बता दियो अगर कोई दिक्कत आई, कोई सप्लीमेंट वगैरह नहीं मिला तेरे को, मेरे को बता दियो, मैं तेरे को ला के दे दूंगा, ठीक है। जब ये 19 साल के थे जब इनको टाइगर भाई से इनके दोस्त ने मिलवाया था, और इसी की एज में 1-2 साल के बाद इसके इनकी शादी हो गई थी हरियाणवी सिंगर से, नितिन भाई के, और जो इनकी एक्स वाइफ थी, मैं उनका नाम लाइक डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, इसी वजह से हम उनको एज एन हरियाणवी सिंगर, क्योंकि उनका प्रोफेशन था उससे हम डिनोट करेंगे, तो उनके साथ उनकी हो गई मैरिज। और उसके बाद इंटरनेट पे भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी जब इनका डिवोर्स हो गया था, कुछ इनके पर्सनल मैटर थे पर इनका डिवोर्स हो गया था, जिसकी वजह से इनकी थोड़ी मेंटल स्टेट पे भी असर आया था, पर इन्होंने जल्दी रिकवर कर लिया था क्योंकि जो जुनून था इनका बॉडी बिल्डिंग के लिए वो इन सबसे बहुत ज़्यादा था। अब बात करते हैं उनकी लाइफ में क्या क्या कॉन्ट्रोवर्सीज रही। एक्चुअली इनके लाइफ में इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज रही नहीं है, पर जो रही थी वो उनकी वजह से भी इनको ज़्यादा हेट नहीं मिला, क्योंकि इनकी सपोर्ट ही इतनी है इनके पीछे, इनको प्यार ही इतना ज़्यादा करते हैं लोग। इनकी पहली सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी ऑल अबाउट ओलंपिया, आपने यूट्यूब चैनल देखा ही होगा, और इनके बीच में तो बात की हुई थी, ऑल अबाउट ओलंपिया ने इनकी फिजिक को क्रिटिसाइज कर दिया था थोड़ा, कि आप पोजिंग नहीं आपको करनी आती, ये पेट नहीं होल्ड कर पा रहा, क्या से मुंह बना रहा है स्टेज पे, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा स्टेज की। तो उसको नितिन चंडीला ने रिप्लाई कर दिया था थोड़ा चाइल्डिश वे में कि तुमको जज करना नहीं आता, इन यूट्यूबर्स को जज बना दो। तो उसकी वजह से इनको थोड़ा सा हेट मिला था, पर इतना ज़्यादा कुछ हेट नहीं मिला क्योंकि इनके प्यार करने वाले इनके हेट करने वालों से बहुत ज़्यादा थे। अगर आप इसको देख के इंस्पायर हुए और आपको और किसी के ऊपर भी ये वीडियो चाहिए तो ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बता के चलें। धन्यवाद दोस्तों।